क्योंकि अभी हमें शाहदुल शहर का पहला सर्वे है, तो आप बताइए क्या रिपोर्ट कार्ड है जगदीश जांगड़ जी का? जीरो है जगदीश जांगड़ की जी, हमारे गांव में कोई ऐसा विकास नहीं किया जी। जिम्मेदार तो अगर असली जिम्मेदार है, मान लो वो ऐसे नौबत आ गई, वो मरने कंगार पे पहुंच सकता है। आने वाला टाइम में जैसे फसलां बर्बाद हो रही है ना, वो आदमी फांसी भी ले सकता है जी। शाहदुल शहर से बीजेपी का विधायक बनना चाहिए। गंगानगर का तो देखो लग तो ऐसा है, गौड़ साहब तो अब की बार बिल्कुल फ्लॉप है, क्योंकि उन्होंने खूब पैसा कमाया, खूब यहाँ जमीनें खरीदी है। जांगड़ साहब ने काम करवाए ना जी? मैं तो देखे को नहीं। जांगड़ साहब तो कह जी मशहूर हो रहा है, बांग भाई है कोई संजय, कह भाई शाहदुल शहर में दिया हो रहा है, संजय टैक्स चुका दियो यार, काम करवा लियो यार। बीजेपी बिहानी ने मिले तो निकल सके जी। आप युवा हैं, ये बताइए कि राज्य में सीएम फेस किसको देखते हैं, किसका लगता है कि बीजेपी से कौन मुख्यमंत्री जा रहा होना जी? बालकनाथ जी का बोल रहे हैं अभी तक तो। कांग्रेस पार्टी के बीजेपी की तो इनको मिली थी बयानी जी को। बयानी जी को हाँ जी, हाँ जी, कांग्रेस की तरह जी को 80,000 रुपया लिया है, सड़क दे दी वहाँ 20,00,000 को काम, 80,000 लेके दिए। बीजेपी की तरफ हुए हैं जी, यहाँ आत्माराम जी तरड है, प्रदीप खिचड़ है, मांगा है जी टिकट तो वो है। हमारे गंगानगर में नाम चल रहे हैं, नाम चर्चा के अंदर खूब चल रहा है, चंडक जी है और बैणी जी है। अगर बैणी जी को टिकट मिल जाए तो बैणी जी शोर जीतेगा, इधर चंडक जी को टिकट मिल जाए तो चंडक शोर निकलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 13, मेरा नाम अमृतपाल। अब हम आ चुके हैं गणेशगढ़। गणेशगढ़ में आप चुनावी यात्रा हम कर रहे हैं, आपको बताएंगे कि गणेशगढ़ के लोग क्या सोचते हैं विधानसभा में किसकी सरकार आनी चाहिए। आपको बता दें कि गणेशगढ़ दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक हिस्सा शाहदुल शहर विधानसभा में आता है और एक हिस्सा गंगानगर विधानसभा में आता है। तो अभी जो लोग बैठे हैं इसमें आपको दोनों विधानसभाओं के जो लोग देखने को मिलेंगे, और जिस एरिया में हम खड़े हैं ये डूंगर सिंहपुरा एरिया के एरिया में आता है। ये आपको बता दें कि गणेशगढ़ विधानसभा में 10,000 वोट यहाँ पे हैं, और यहाँ पे अब देखेंगे, लोगों से बात करते हैं, सारे यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे बात करते हैं लोगों से कि क्या सोचते हैं कि क्या इन 5 सालों में राज्य सरकार ने, इनके विधायक जी ने काम किया है या नहीं किया। तो अब धीरे धीरे करके हम बात करते हैं कि करके लोगों से। सर क्या नाम है आपका? बनवारी लाल सारना जी। बनवारी लाल जी, आपके गाँव आए हैं आप, पहले तो ये बताइए कि आप किस विधानसभा में आते हैं, क्योंकि दो विधानसभा है। विधानसभा है जी हमारी जी, शाहदुल शहर विधानसभा है। क्योंकि अभी हमें शाहदुल शहर का पहला सर्वे है, तो आप बताइए क्या रिपोर्ट कार्ड है जगदीश जांगड़ जी का? जीरो है जगदीश जांगड़ की जी, हमारे गांव में कोई ऐसा विकास नहीं किया जी। किया है, एक सड़क बनाई थी हमने बहुत जोर में, 20,00,000 दिए थे वो, ये भी सड़क वाले उसको कमीशन देकर बनवाई गई, 80,000 रुपये कमीशन के दिए थे। ये कमीशन मतलब किस चीज़ का कमीशन दिया जा रहा है, क्यों क्यों कमीशन दिया जा रहा है? वो कहते हैं अभी हमारे ऊपर देना पड़ता है हमारे को, कहे भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार सरेआम भ्रष्टाचार हो रहा है जी, कोई काम नहीं किया जी। अब गांव का सरपंच है, नेम प्लेट सरपंच की लगनी थी, वो लगा दी अपने कार्यकर्ता की लगा दी गई है। अच्छा, अब आप जाके मौका जाके फोटो भी खींच सकते हो। जो इस रोड बनी है उसमें कार्यकर्ता की नेम प्लेट बनी, उधर धर्मशाला बनी थी अर्जुन बस्ती में। अच्छा, तो वहाँ पर अपने निजी आदमी की प्लेट लगा दी गई, हालांकि वहाँ पर गांव का मौजूद आदमी जितना हो आदमी या डायरेक्टर हो या पंच उनकी लगे तो कोई दिक्कत किसी को नहीं है, उसका विरोध भी हुआ है विधानसभा, प्रश्न भी उठा इसका। आप ये कह रहे हैं मतलब भ्रष्टाचार बहुत हुआ है इस 4 साल में, क्या लगता है कि किसकी सरकार आ सकती है? ही मैं जी अभी गड़ी तो पोजीशन है बीजेपी सरकार की, शाहदुल शहर में तो बीजेपी सरकार की पोजीशन ठीक है, भी कांग्रेस का कोई आ जाए ना तो सभी गले पड़ने वाली बात है, पहली बात गांव में घुसने नहीं देंगे उनको। अभी तो योजना भी बनी हुई है कि फोन बांट रहे हैं एक में गहलोत साहब, गहलोत फोन बांट रहे हैं, फोन तो उनको बांट रहे हैं जो मान लो जो अपने निजी आदमी है उनको ही देंगे, वो आम आदमी को नहीं देंगे। फर्क पड़ेगा फोन बांटने से? कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसका जी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बात बताइए यहाँ पर, एक बीच में बताऊं आपको, यहाँ पर पानी की भी समस्या है हमारी, समस्याओं पे मैं आता हूँ धीरे धीरे, पहले अपन योजनाओं की बात करते हैं। तो अशोक गहलोत ने बजट में बोला था कि 200 यूनिट फ्री दी जाएगी और जो किसान है उनकी 2,000 यूनिट माफ़ कर दी जाएगी, ऐसा कुछ हो रहा है गांव में? कुछ बिल जो है रेट बता दियो भाँ जी, 200 यूनिट मान फ्री करिए महीने की, वहाँ रेट बता दिया गया उनका, तो बिल हमारे बिल दे चेक कर लो, किसी का तो बिल में वो छूट आई भी नहीं है। अच्छा जी, वो कह रहे हैं हमने छूट दे दी है, तो ये किसी का बिल में आए नहीं, पैसे लग के आए उनके, कोई छूट नहीं है जी, सब ये ड्रामा है, सब सरकार का पैसा बर्बाद हो रहा है। ये अब ये खेलो इंडिया से ये खेल चल रहे हैं,
इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है इनका। कैसे हो रहा है बताइए, मतलब जो अभी खेलो इंडिया जो ग्रामीण ओलंपिक चल रहा है, जैसे मान लो टी शर्ट उन्होंने बांटी थी, वो टी शर्ट सारी 100 रुपये की नहीं है वो, और ये 500-800 रुपये ले रहे हैं उनसे, उनसे बिल उठाया है इन्होंने। आप जाके माल दफ्तर में जाके बिल चेक कर सकते हो आप। निजी स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है। एक बात बताइए, अब आप समस्याओं की बात कर रहे थे, क्योंकि एक तो आपका गांव बटा हुआ है, गंगानगर विधानसभा भी आती है और शादुल शहर में आती है, तो आपको पूरे गांव के बारे में तो पता होगा ही कि ये आप तो दोनों गंगानगर विधानसभा का भी बताइए और जो आपका शादुल शहर विधानसभा है, दोनों का बताइए कि क्या वहां पे विकास हुआ है, क्योंकि आप यहां रहते हैं वहां पर। गणेश गंगानगर विधानसभा काम नहीं हुआ जी, काम हुआ है सरपंच के घर के आगे हुआ है, उनका भी जोड़ बना तो उनके घर के आगे बना है, जल योजना में चल रही थी वो, उसके घर आके सड़क बनी है, उसके घर के आगे बनी है, चौक बन रहा है, उसके घर के आगे बन रहा है, और गांव में नहीं बना कहीं पर, गांव में घूम लो आप, पार्क बना है उसके घर के आगे ही बना है, और आस के एरियो में उस पंचायत में नहीं बना, विकास नहीं हुआ, घर के आगे काम हुआ है उसका, जो पैसा गोड ने दिया है वो घर के आगे दिया है, काम तो मान लो स्कूल में मान लो चार द्वार निकलवाने थी, वो काम नहीं हुआ जी। तो विधायक जी यहाँ पे आते हैं या शादुल शहर या गंगानगर के कोई भी विधायक? विधानसभा का विधायक जांगड़ी साहब हमारे अभी तक नहीं आए जी, हमारे तरफ तो आते नहीं है, आते हैं उधर किसी घर के आके चले जाते हैं, ये मालूम नहीं है। गोड़ साहब आते हैं मरने पर, नहीं गोड़ आता है हमारे भी आता है उधर भी आता है, पर वो ज्यादा विकास कार्य है वहाँ पर नहीं करवाए, मान लो वो एक आदमी पेमेंट पैसे देता है वो सरपंच को देता है, वो सरपंच मनवर जी करके कर चला जाता है, गोड़ को मालूम नहीं है ये बात, गोड़ को भी अवगत करवाई थी हमने, फिर गोड़ ने कहा मैं बजट नहीं दूंगा इसको, बजट नहीं दिया उसने, बंद कर दिया उसने। मतलब कार्रवाई की उन्होंने, जब बताते 10 आदमी गए थे हमने, भी विकास कराओ, साझा कराओ, भी गांव में विकास हरण कराओ, भी आप सरपंच को दे देते हो पैसे, सरपंच है अपने घर के मनमर्जी पैसा लगाता है वो, और कोई काम नहीं हुआ जी हमारी। और कोई प्रतिनिधि आपको लगता है गंगानगर विधानसभा से कि यहाँ पे आता है, आपको लगता है कि काम करवाता है कोई? देखो जी प्रतिनिधि जो भी आगे आने वाले टाइम में, जो अशोक चांडक है बढ़िया आदमी, हमारा आदमी नहीं है, लोग चांडक की बात, अशोक चांडक कांग्रेस का, ये गांव गांव घूम रहा है, अच्छा आदमी है जी, गरीब तबके की इमदाद करने वाला है जी, गरीब बच्ची की शादी नहीं है तो उसको पैसा भी देता है वो घर से, काम करवाया है यहाँ पे, काम तो जो पहले पिछले चुनाव में उसने करवाया था, चार बंदी के उसने पैसे दिए थे, ये मुसलमानों की कब्र है उनके लिए जी, चार 5 लाख रुपये उसने दिए थे पहला जी, जितने बाद में और देना था वो जितना ही नहीं दिए, वोट नहीं दिए उसके बेचारे गांव वालों ने, वो हार गया बेचारा, वो उसमें निर्दलीय गोड़ था, वो फायदा गोड़ ले गया, सांझे आदमी थे वो, गोड़ की तरफ ले, गोड़ शुद्धा था। चांडक जी का भी माहौल है यहाँ पे? हाँ चांडक का माहौल अच्छा माहौल है, बड़ा नहीं अभी घड़ी, गोड़ का भी गोड़ का माहौल नहीं, अब नहीं है गोड़ का मोल, अब नहीं है गोड़, अब जीरो बग रहा है। अच्छा। और बीजेपी जैसे मान लो टिकट तो बहुत मांग रहे हैं, जैसे जयदीप भ्याणी भी अच्छा आदमी है, महेशपुर वाले भी अच्छा आदमी है, क्या लगता है किसको टिकट मिलने की? टिकट ज्यादा संभावना है जी जयदीप भ्याणी की, अगर जयदीप भ्याणी को टिकट मिल जाती है निकल सकती है, निकल सकती है, निकल सकती है जी जयदीप भ्याणी। राज्य में किसको देखते हैं सीएम फेस, कौन होना चाहिए, मतलब कौन मुख्यमंत्री बनना चाहिए? देखो सीएम तो हम तो चाहते हैं योगी जैसा आए यहाँ पर, यूपी मॉडल हो, यूपी मॉडल जैसा हो तब यहाँ पर बढ़िया व्यवस्था होगी जी, नहीं तो व्यवस्था नहीं होगी। क्या लगता है कि किसको बनना चाहिए, क्योंकि अभी तो आपके सामने ही है सारे नेता, सभी कहते हैं बीजेपी वाले कहाँ से ढूंढ के ले आएंगे पता नहीं है, ये तो जी ग्रह में छुपा हुआ है। वसुंधरा को कैसा मानते हैं? वसुंधरा ने पहली वर्ष पहले आई थी ना, उसने काम किया था, उसके बाद में अगली योजना में उसने काम नहीं किया, हमारे भी काम नहीं किया जी, दूसरी बार आई थी उसने काम नहीं करा, अच्छा 2018 से पहले बढ़िया काम नहीं किया उसने जी, पहले अच्छा काम, पहले 5 सालों में उसने अच्छा काम किया था, किसानों के बारे में अच्छा काम किया था, पानी के मामले में, सड़कों मामलों में, स्त्रियां अच्छा काम। अभी किसान आंदोलन हुआ था अभी हाल ही में गंगानगर में चल रहा था, इसका यहाँ पे भी प्रभाव देखने को पड़ा था, जब पंजाब से पानी निकासी की दिक्कत आ रही थी, पानी नहीं आ रहा था, हाँ ये पड़ा था यहाँ पर पड़ा था। तो आप भी गए थे किसान आंदोलन में? किसान आंदोलन हम नहीं गए थे, हमारे आदमी गए थे, और ये जो जैसे किसान आंदोलन था जीएस वाले बोलते हैं ना, ये वहाँ पर है, जैसे गुरवीर सरदार भी गया हुआ था, गुरजंट सिंह बराड़ के वहाँ पर दिल्ली गए हुए थे, हमारे गांव के आदमी वहाँ पर आंदोलन में गए थे, किसान गए थे, फिर वहाँ पर उन्होंने जाके देखा 10-12 दिन लगा गया, 60,000 चंदा भी दे के आए थे वो, भी 50,000 चंदा दिया था, 10,000 रुपये खाने के वो दे के आए थे, 10-12 आदमी गए थे वो। अब तो वो समझौता हो चुका है, क्या लगता है कि हो जाएगा, मतलब सोल्व हो जाएगा? नहीं होगा जी,
क्यों क्या लगता है पंजाब सरकार ऐसा क्यों कर रही है पानी? पंजाब सरकार जैसे मान लो वो कहता है भी पहला दो मैं पानी पूरा लूं मैं राजस्थान के, अब कल या परसों वीडियो आई थी उसकी सुखबीर बादल की परसों की, वो बोला भी कभी पंजाब हरियाणा वाले आ जाते पानी लेने राजस्थान वो मंगदे की है साडा पानी है पानी साडा नहीं है पानी तो है राजस्थान सरकार का समझौता हुआ है वो जी। तो अब वो कह रहे हैं कि हम देंगे देंगे नहीं एक इंच भी पानी नहीं देंगे। अब चार पांच रोज मान लो परसों समझौता हुआ था पानी का तो आज पानी कम हो गया वहाँ पर, आज भी कम है, कम है पानी कम हो गया। तो किसानों ने वो आंदोलन खड़ा कर चक दिया, चकते ही मान लो उन्होंने कहा पानी आ जाए 2100 आ गया 2400 आ गया, वो पानी वहाँ पर पहुँचा नहीं, उससे पहले भी वो पानी बंद हो गया क्योंकि पीछे बात की थी 2800 कुछ थी 2800 की थी, फिर बाद में 2100 हम दे देंगे लिखित में दिया है 2400 तक पानी दे देंगे आपको, वो भी नहीं दिया अभी तक नहीं। आ ये नेल नुकसान हो रहा है इससे, नुकसान फसलें बर्बाद हो रही है जिम्मेदारों की जी, ये कांग्रेस सरकार की और आप पार्टी दोनों की मिली भगती है जी, किसान पिस गया किस गया जी। तो कैसे इस नुकसान का भरपाई होगी? क्या भरपाई नहीं जिम्मेदार की नहीं होगी जी, जिम्मेदार तो अगर असली जिम्मेदार है मान लो वो ऐसे नौबत आ गई वो मरने कंगार पे पहुंच सकता है, आने वाला टाइम में जैसे फसलें बर्बाद हो रही है ना वो आदमी फांसी भी ले सकता है जी, कोई बड़ी बात नहीं है जी। किसान आंदोलन जो आपको देखने को मिला था अभी भी धरने पे बैठे हैं, पर अब जो समझौता हुआ है अभी यहीं भी जाके आए हैं धरने में जाके है, जो ये आंदोलन होते हैं इसके पीछे एक कहानी होती है, कहानी आपको ये सुना रहे हैं कि कैसे नुकसान झेलना पड़ता है किसानों को, कैसे किसान मरने तक की सोच लेता है। ये पानी ही है जिससे जल, ये जल ही है जिससे फसलें बनती है, फसलें ही हैं जिससे हमारे पेट भरते हैं। अब पंजाब सरकार ने पानी रोक दिया है, यहाँ के किसान बहुत तंग है, अभी कलेक्टर साहब से बात करके समझौता हुआ है, देखते हैं कितना कारगर होता है समझौता, अगर होता है तो बढ़िया बात है। सर क्या नाम है आपका? महेश। महेश जी यही सवाल दोहराना चाहूँगा, आप पहले ये बताइए कौन से विधानसभा में आते हैं? सादुल शहर विधानसभा। क्या हुआ जांगड़ साहब का, क्या रिपोर्ट कार्ड है, कैसे काम हुए हैं? जांगड़ साहब ने यहाँ तो कोई हमारे इलाके में तो काम करवाया नहीं, नहीं करवाया। हाँ, क्यों? ये कोई भी है चाहे बीजेपी है कांग्रेस है, आज तक 20-25 सालों से तो मैं भी देख रहा हूँ यहाँ प्रेतक है ब्रजमन जी सारण, वो टिकट बीजेपी की मांगते हैं हर बार, तो यहाँ कोई काम करवाना नहीं चाहता क्योंकि ये शहर है ना। यहाँ पे ब्रजमोहन जी सारण जी हैं जो बीजेपी की टिकट मांग रहे हैं इसलिए यहाँ पे काम नहीं होता। तो कोई भी चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो कोई भी विधायक बनता है यहाँ कार्य नहीं करवाता, यहाँ के पास पास 8-10 गांवों में भी। तो जांगड़ साहब ने कोई कहीं काम करवाए हैं तो बाहर करवाए, हमारे गांव में तो कोई एक काम भी नहीं करवाया। हमारे कन्या पाठशाला स्कूल है 12वीं तक का सीनियर, उसको कॉलेज बनाने की बात थी तो चुनावों में उनको यहाँ से लगभग 1500-1700 वोट भी मिले हैं पिछले चुनाव में, पर वो कॉलेज वाला काम उन्होंने नहीं किया। ओवरऑल आप कह रहे हैं जांगड़ जी का कार्यकाल सही नहीं रहा, इन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, आपको भी लगता है भ्रष्टाचार हुआ है? भ्रष्टाचार तो हुआ होगा अपने को नहीं पता है, लेकिन कार्य नहीं हुआ हमारे, कोई विकास कार्य बिल्कुल एक काम भी नहीं करवाया उन्होंने। और जैसे आपके तो गणेशगढ़ में गंगानगर विधानसभा भी आती है, इनसे भी मैंने हाल पूछा कि उस गंगानगर विधानसभा में काम हुआ है? भाई गंगानगर विधानसभा में भी काम नहीं हुआ है, पैसे का खेल है, दोनों MLA ने खूब पैसा बटोरा है, खूब धन इकट्ठा किए, कोई विकास की बात नहीं करता, कोई विकास के लिए कहीं जाता भी नहीं है और कोई विकास हुए भी नहीं है। और आप जहाँ जहाँ जाओगे देख लेना, मेरे हिसाब से मेरे को तो नहीं लगा कि अपने गंगानगर या विधानसभा शादुल शहर कहीं कोई काम हुआ, ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी बात ये भी है कि ये बताइए कि यहाँ पे 10,000 से 11,000 वोट है, बहुत बड़ा गाँव है ये गेम चेंजिंग गाँव भी बन सकता है विधानसभा के लिए, फिर भी यहाँ पे काम क्यों नहीं होते? पता नहीं क्या कारण है, कोई शहर का काम ज़्यादा करवाते होंगे वोट साहब, तो उनको वहाँ को ज़्यादा अच्छा लगता होगा। और शादुल शहर विधानसभा में जब भी कोई नेता कांग्रेस या बीजेपी से चुना गया है, विधायक चुना गया है, तो वो शादुल शहर या अदर दूसरे एरिया में तो काम करवाए होंगे, यहाँ कोई काम नहीं करवाया। क्या लगता है किसका माहौल लग रहा है आपको, कौन बन सकता है विधायक शादुल शहर से? बताइए, शादुल शहर से बीजेपी का विधायक बनना चाहिए, चाहे किसी को भी टिकट मिले, टिकट चाहे किसी को मिले। गंगानगर से क्या लगता है किसका माहौल लग रहा है आपको विधानसभा, क्योंकि आप तो एक साथ ही रहते हैं सारे? गंगानगर का तो देखो लग तो ऐसा है, गोड़ साहब तो अब की बार बिल्कुल फ्लॉप है, क्योंकि उन्होंने खूब पैसा कमाया, खूब यहाँ ज़मीनें खरीदी है, खुद का विकास किया उन्होंने। अब रही बात चांडक जी की, तो वो गांव से जुड़े रहते हैं, आते हैं कोई किसी के काम बात में। चांडक जी का रिपोर्ट कार्ड अच्छा है यहाँ पे? हाँ,
बिहानी जी का शहर में तो अच्छा सुने लेकिन गांव में कभी आज तक उन्होंने आके मैंने नहीं देखा कि विधानसभा गंगानगर के जो गांव पड़ते हैं वहां पे मैंने जयदीप बिहानी जी को कहीं सुना देखा भी नहीं। क्या नाम है सर आपका? अनिल कुमार जी। अनिल जी कौन सी विधानसभा में आते हैं? शादुल शहर। शादुल शहर, क्या लगता है जांगड़ साहब ने काम करवाए? ना जी मैं तो देखे को नहीं, अजय नहीं होगा। कांग्रेस लगातार दावे ठोक रही है, बोल रही है कि हाँ भैया हमारे क्षेत्र में हमने विधानसभा में काम करवाए हैं, क्या लगता है कि कांग्रेस वापसी कर सकती है क्या? ना भाई कौन करे, कौन ही करे। अभी आपको गंगानगर विधानसभा भी आती है, क्या लगता है गंगानगर विधानसभा में काम हुआ है? और तो भाजी ध्यान को नहीं, गणेशगढ़ में तो है, कौन हटे पूरे गणेशगढ़ में है। कोई विधायक कोई बड़ा नेता यहाँ पे आता है सर्वे करने देखने की कैसे का चल रहा है गाँव? मैं तो जी बृजमोहन जी ने देखा, मैं और तो देखा ही को नहीं। ब्रजमोहन सारे क्या लगता है किसकी सरकार आ सकती है, कौन विधायक बन सकता है शाहुल शहर से? ब्रजमोहन जी सारण बनेगा जी, अनुमान तो ही है हमारा तो, बीजेपी से। और गंगानगर से क्या लगता है? चांडक को दौर है जी, चांडक मतलब चांडक जी का यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि सारे चांडक जी के यहाँ पे पक्ष में देखने को मिल रहे हैं। बीजेपी से अगर किसको टिकट मिलनी चाहिए गंगानगर से? जयदीप बियाणी जी, दो ही नाम आ रहे हैं सबके सामने है ना कि जयदीप बिहानी जी और चांडक जी। चांडक जी आए हैं यहाँ पे काम देखा उन्होंने आके यहाँ पे कभी काम? पिछला चुनाव में तो आया, अब कड़ कौन देखा ने से बात करते हैं सर। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार है जी। विनोद कुमार, विनोद जी आप कौन से विधानसभा में? मैं शादुल शहर में। शादुल शहर में क्या लगता है जांगड़ साहब का रिपोर्ट कार्ड बताइए कैसा काम हुआ? मारा तो कोई काम हो कौन जी, खाड़ा अगर काम करो या तो केंद्र सरकार को पीछो, नहर को अगर कोई काम करी है तो केंद्र को है, और अगर स्कूल में कोई कमरा है तो रम सागर तहत आया है, या अब ये ताकराल ढाणी का माँ खींचाली का माँ वो अम्बेडकर भवन आयो है एक तो वो निहालचंद दियो है, एक थानदाड़ा का माँ कमरा है तो वह भी निहालचंद का देड़ है। मतलब आप कह रहे केंद्र सरकार ज्यादा काम कर रही है, राज्य सरकार ज्यादा कर रही है, केंद्र का दिन ही आयु है काम जितो है हमारे खाड़ा आयु है तो आयु है। जांगड़ साहब ने कोई काम नहीं किया? जांगड़ साहब तो कह जी मशहूर हो रही है के बांग भाई है कोई संजय, कह भाई शादुल शहर में दिया हो रहा है संजय ने टैक्स चुका दियो यार काम करवा लियो। किस चीज का टैक्स? कोई चीज को कोई काम कराना है तो हर चीज में कमीशन तबादलो कराना है तो किंगोई हाँ कोई किंगोई काम कराना मारे तो एक मासक बंटियाड है तो सरपंच ने बुला लियो राम में सरपंच ने फोन करियो क्या भाई ए मास सके जका मारी वो के नाम धारे वर्कर है भी वर्कर ने दे दियो वो बंटे को कोई 50 मास्क दिया भी बाद में फिर वो सरपंच गयो बाबड़ो हरिजन सरपंच है जी शुद्ध आदमी है बिन है कोई पीदे को नहीं बे आपके वर्करा ने दे दो चार वर्कर है बंग है लारे वोट को नहीं हटे आगे 1700 वोट आया भी नहीं ई विधानसभा पंचायत तू यार अब काले वोट आवे कौन 17 ही क्या कंडीशन है विधायक की? हाँ शुरू में बढ़ियो जना लड़कियां स्कूल ने कॉलेज की बात कही क्यों भी मेरा कार्यकाल में बना दूंगा तीन चार बारी लिख के दे दियो बन क्यों भी लिख के दे दियो वो ना कॉलेज बनियो लड़कियां को ना और बनियो गौशाला में 5 लाख रुपया दिया वह शुरू का माँ अभी वो अभिनंदन करियो जना यार बा घोषणा अब पूरी करी है भाई केड़क सीख पूरी हो सी भाई कोई आपके मार्फती आपके चेला चमटा नहीं बा दे रखी है मतलब व्यक्तिगत जो उनके दोस्त हैं जो उनके साथ रहते हैं उनके काम हो रहे हैं बंगा काम हो रहा है जी। क्या लगता है कौन विधायक बन सकता है? विधायक देखो जी अगर बीजेपी की टिकट मिल गई डॉक्टर साहब ने तो एन विधायक है जी एरिया का माँ 5 साल में खूब मिलन और सारण जी की बात हाँ सारण विनोद बृजमोहन सारण अगर बीजेपी की टिकट मिल जाती है तो विधायक है। हाँ कांग्रेस का आपको लग रहा है कि कांग्रेस का माहौल है? कांग्रेस का माहौल हमारे एरिया में तो अठे तो है कौन जी नेड़े 4-5 गांव मारा है जोगी वालो है धारे चकचौरी चेतराम वालो है गोदवाल ढाणी है ताखराली है अब बृजमोहन जी ताखराली हूँ डायरेक्टर चुनी जेड है पंचायत समिति का तो भी गांव में मतलब वहाँ लोग आगे मांग करके खड़े करियो भाई आगे प्रधान बने तो वो प्रधान ने जगदीश जांगड़ कौन बन दियो भी आपका वोट काबू कर लिया अरे भी बाद का माँ प्रधान आपको बना लियो वो सरदार जी ने
है बातें जी। गंगानगर विधानसभा भी यहाँ पे आती है, क्या लगता है गंगानगर विधानसभा में कोई काम हुआ है? मारे गणेशगढ़ में तो यो कौन जी, पूरे गणेशगढ़ में काम है। सरपंच का घर के सामने सामने जो इन्होंने बात बताई, हाँ अवतार सिंह के सामने हुए है, वो आपको घर के आगे चौका लगाने ला रही है, पार्क बने तो बैठे और जोड़ो बने तो बैठे। और उनकी शिकायत भी लगाई थी, उसके बाद बजट नहीं आया उनके पास। बजट तो अब तो अब बंद कर दियो, पहली पहली तो आई हुई, हाँ कार्रवाई करी है बाकी। और ना कोई मारे स्कूल है बारहवीं लड़का को गणेशगढ़ का नाम, तो बिम में भी कोई विकास को नहीं हो, यही तरीका भाई। क्या लगता है कि गंगानगर से आपको क्या लगता है कौन विधायक बन सकता है? सुनिए जी, अपन तो इतना नॉलेज तो मैंने कौन राजनीति को, पर चांड को सुनिए यूँ कांग्रेस हूँ तो, अरे बीजेपी हूँ बिहानी ने मिले तो निकल सके जी। आवाज सुन, दो ही नाम है कि चांड को ही नाम है जी। गोड़ साहब को कैसा लगता है, क्या कार्यकाल कैसा रहा? देखो जी, अब मारे गांव में तो गोड़ साहब को पकड़े है को नहीं, और आवे जावे हरेक है, मृत्यु ऊपरी आवे है हरेक, दो नवासा में आवे, ब्याह शादी भी कार्ड देवे तो आवे, बिया ठीक है, हाँ मिलन सारे बिया तो यार, आया भी यहाँ 5 साल में अंतर है, बा बात कौन भी गांव ने कोई छोड़ दियो, पर विकास भुगस मारे को नहीं। ते ही सड़क लाग गया है, यो 3 किलोमीटर की सड़क है ना हमारी, सड़क पूरी बने अब माँ फिर दलडा पड़ रही है। आप मुद्दे बताइए, क्या मुद्दे हैं, विशेष मुद्दे, क्या परेशानियां गांव झेल रहा है? परेशानी तो आई है जी के, एक तो अब हरियाणा में तो किसानों ने मुआवजा मिले, फसल खराब हुए और वह तो गड़ा पड़े तो, या आंधी तूफान उनाश हुए या पानी बिना, तो एक तो पानी की समस्या क्या, जद्दू गंगा सिंह जी नहर बनाई गंग के नाल, तो इनमें मारो गंगानगर जिले वो शहर है 1500 घाट नहर न चला कौन सके, तो बिन मनमानी करे पंजाब कदी भी गां 1100 कर दिए तो चालती नहर मारी पिटी जिए, बह बारियां फिर मारी सूखी उड़ जाए। अब आज की कंडीशन आए जी कि नरमा मारे खत्म होने ला रहे, क्या पानी है कोई ना, पंजाब छोड़ने ला रहे हो राजस्थान के। 2800 का बात हुई है कि 2800 देने, वही बात तो ही है पर 2800 दे नहीं रहे, कभी नहीं आए, कभी नहीं, पहले 2700 चलता था। कब की बात है, कब मतलब 2700 लास्ट कब आया? सन 70 के अंदर जी हालत थी कि नहरा कच्ची होती, 10-10, 12-12 कुशिश की नहरा छोटी कसियाँ, तो बने खोदन भी बेलदारा ने रुपया दे गया, हम तो वह 2 दिन बंद बन सका करता, बाकी नहरा बंद होती को नहीं यार। आज है नहरा कंडीशन है जी, कोई नहर कभी 10 दिन चाल जाए, कभी 10 दिन बंद हो जाए, कोई निर्धारित बहुत नुकसान हो ना निर्धारित, अब तो है भाई एक 7वें दिन आवेगी तो अगले दिन भी 8वें दिन चाल गए फिर बंद होनी, वो कंडीशन LNP एरियो या गंग के नाल पर कोनी है। भाखड़ा मारे निर्धारित है कि शुक्र की बंद होगी तो शनिवार को पानी भी मावेगो, 1 हफ्ते बाद में 1 हफ्ते बंद 1 हफ्ते चालू, हाँ पीछे चोरी हुए पानी की, प्रभावशाली किसान चोरी करे बिंगो ऊपर कोई अंकुश को नहीं, तो अब समझौते में आई है बात की जो चोरी होगी उसका गश्त लगाए जाएंगे और देखा जाएगा। पीछे मेन पर है यहाँ छोटी वो गंगनेर को है, भाखड़ा के ऊपर भी हो रही है, हाँ पर वो हमारे गांव है जो टेलों पे है भाखड़ा के एरिया में, तो अगर पानी सही हो ना तो फिर पानी ठीक है, अगर पानी वो उठा लेते हैं तो पानी कम हो जाता है हमारा। आप ये बताइए ऐसे पानी पे ही अर्थव्यवस्था यहाँ की टिकी हुई है, अगर पानी पानी पर जमीन का पानी है नहीं जी, पानी पानी अच्छा आ गया तो फसलें अच्छी होगी और सबके घर में धन आएगा, अगर पानी नहीं आया तो फसलें नहीं होगी तो नुकसान होगा, नुकसान है जी, अब नुकसान चालन ला रही हमारे की बात हो रही है फसलों में, अगर फसलें अच्छी होंगी तो तंगी नहीं होगी और फसलें खराब होगी तो गांव पूरा तंगी में रहेगा। इनसे बात करते हैं, सर क्या नाम है आपका? शिव नारायण जी, कौन सी विधानसभा से आते हैं आप? सादुलशहर में, सादुलशहर से आते हैं, क्या लगता है जांगिड़ साहब ने काम करवाए के कौन ग्रेड वाले के ग्रे जांगिड़ की मदद देखे कौन ये ग्रेड वाले काम नहीं, कोई काम नहीं बिल्कुल ही कौन नहीं, क्या लगता है कौन विधायक बनना चाहिए इस बार सादुलशहर से? सादुलशहर से डॉक्टर बिजमोहन की मतलब बढ़िया जी, बीजेपी से आपको गंगानगर भी पड़ती है विधानसभा यहाँ पे? गंगानगर तो गणेशगढ़ आ गए, तो मैं तो डूंगरसिंहपुरम आ गया। अच्छा ठीक है ठीक है, तो आपके पास में ही है गांव, क्या लगता है कि गंगानगर से क्या माहौल दिखने को मिल रहा है? गौड़ साहब ने काम करवाया? गौड़ तो करवाई है, खैर काम तो करवाई है फ्यूचर अपने आपके एरिया में तो कराई ही है मान लो, और बाकी उम्र जांगिड़ तो हमारे की कौन करे जी, क्या लगता है राज्य में किसकी सरकार आएगी? मैं तो बीजेपी की, बीजेपी की मन तो मेद पूरी है,
उम्मीद पूरी है बीजेपी की। सबसे बात कर रहे हैं, लोगों से बात करते हैं, पूछ रहे हैं किसकी सरकार आएगी, कौन आ सकता है। अंकित है जी मेरा नाम। अंकित क्या करते हैं आप? मैं जी पढ़ाई करता हूँ। वैसे क्या पढ़ाई करते हैं? मैंने एमए फाइनल किया और आगे वैकेंसी की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, एमए फाइनल किया। हाँ, कहाँ से किया आपने पढ़ाई? गवर्नमेंट कॉलेज से, गंगानगर। गंगानगर से। हाँ, आप बता रहे थे, आप दिक्कत बता रहे थे, बताइए। दिक्कत मेन यही है जी कि टाइम पे पेपर नहीं हो रहे, जो हो रहे हैं वो लीक हो रहे हैं। कौन सी यूनिवर्सिटी पढ़ती है आपके? मेरे बीकानेर MGSU में आप पढ़ते? हाँ जी। तो आपके एमए के पेपर बहुत देर से हो रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि? वो तो टाइम पे हो रहे हैं, जो भर्तियां हो रही है उनके पेपर, रीट के पेपर आप? हाँ, जो भी भर्ती आ रही है वो लीक हो रही है, टाइम पे पेपर नहीं हो रहे। आपकी विधानसभा कौन सी पड़ती है? शादुल शहर। क्या लगता है काम हुआ है शादुल शहर में? जांगड़ जी ने काम कुछ दिखाई दिया नहीं जी अभी तक, तो कुछ डिसाइड दिखाई नहीं जी। क्या लगता है किसकी सरकार आनी चाहिए इस बार, किसका माहौल देखने को मिल रहा है पूरे गांव में? माहौल जी बीजेपी का है, अब की बार बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी? हाँ जी। आप युवा हैं, ये बताइए कि राज्य में सीएम फेस किसको देखते हैं, किसका लगता है कि बीजेपी से कौन मुख्यमंत्री जा रहा होना चाहिए? जी बालकनाथ जी का बोल रहे हैं, अभी तक तो पैसे डिसाइड नहीं किया हुआ, डिसाइड हो जाएगा उसके बाद में कोई देखेंगे। आपका वोट है? हाँ जी। तो आप मतलब बीजेपी को वोट डालेंगे? हाँ जी बिल्कुल। मतलब एक बात बताइए, आप गंगानगर विधानसभा भी यहाँ पे आती है? हाँ जी। तो क्या लगता है गंगानगर में किसका माहौल देखने को मिल रहा है? जी वो मेरे को इतना नॉलेज नहीं है, मैं शादुल से रहूँ तो वहीं से मैंने देखा है। तो सबसे बड़ी परेशानी इनकी ये है कि जो भर्ती हो रही है, भर्ती के आपने देखने को मिला है रीट का पेपर लीक हो जाता है, एक बार नहीं दो बार नहीं है, और कार्रवाई भी नहीं होती। सबसे बड़ी बात, कार्रवाई की बात होती है तो बड़े बड़े अधिकारी पाए जाते हैं इस मसले में। और युवाओं का यही कहना है कि रीट का पेपर और जो भी कार्रवाई, जो भी रीट का पेपर है, जो भी एग्ज़ाम है, वो टाइम पर हो और भर्ती करवाई जाए। और इनका भी यही कहना है कि जांगड़ जी ने काम नहीं करवाया और बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। आगे बात करते हैं लोगों से। सर क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। अनिल कुमार, कौन से विधानसभा से आते हैं सर आप? शादुल शहर विधानसभा से। शादुल शहर विधानसभा से ले लेते हैं। शादुल शहर विधानसभा से आते हैं। जांगड़ साहब का रिपोर्ट कार्ड बताइए जी, कैसा काम हुआ है? जांगड़ साहब ने काम किया? नहीं काम नहीं किया। काम नहीं किया? काम बहुत कम किया हमारे गांव में, तो काम कुछ विकास कार्य विकास कार्य जो उनके वर्कर हैं वर्करों का सुनते हैं, और आम आदमी की बात नहीं सुनते, आम बात करते हैं, हमारा भी काम होना चाहिए, तो वर्कर कहते हैं वर्कर के साथ चलते हैं। एक बात बताइए, जांगड़ साहब का स्वभाव चुनाव से पहले भी ऐसे ही था? नहीं वैसे तो ठीक है, बोलते हैं इसी तरह से, कोई ऐसी बात नहीं है, आते ढंग से बात करते हैं, फिर काम के लिए करते हैं अभी वो थोड़ा सा ये बात सुनते हुए काम करते नहीं करते नहीं अपने वर्कर का काम करते हैं। अब तो, इन्होंने कहा भ्रष्टाचार बहुत चरम सीमा पे, आपको भी लगता है भ्रष्टाचार है? हाँ है जी, भ्रष्टाचार है, कोई विकास कार्य नहीं करे उन्होंने, कोई विकास कार्य नहीं। क्या लगता है किसकी सरकार आनी चाहिए इस बार? बीजेपी की सरकार आएगी। बीजेपी की? कौन बीजेपी का आपको लगता है कि यहाँ से विधायक का दावेदार बनेगा? कहाँ से? शादुल शहर से दावेदार। देखो ये डॉक्टर बृजमोहन सारण है, गुरुवीर है, पर देखो इस बार भी डॉक्टर साहब को टिकट मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, उम्मीद है, उम्मीद है, पूरी पूरी उम्मीद है। आपका गंगानगर विधानसभा भी यहाँ पे आती है, तो आप बताइए गंगानगर विधानसभा में आपके हिसाब से काम हुआ? नहीं वहाँ भी काम इतना नहीं हुआ जी, गौर साहब ने वैसे तो मिलनसार हैं, ठीक है, आते हैं, सब जाते रहते हैं, पर वो काम नहीं हुआ। जैसे मान लीजिए एक बार बारिश आ गई, बारिश में आने के बाद में पूरी सारे पानी में गलियां लोगों के पानी भर गया, तो फिर पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है, इतना देखते इतना बजट आता है, कहते हम करा रहे हैं, पर पानी निकासी नहीं है बिल्कुल, पानी निकासी एक पानी में पूरा शहर में पानी भर जाता है। पानी निकासी की समस्या पूरे गंगानगर में देखने को मिले। हाँ जी। क्या लगता है गंगानगर से आपको क्या लगता है कौन विधायक बनना चाहिए? कांग्रेस इस बार टिकट बीजेपी की तो मिली थी बयानी जी को। हाँ जी। कांग्रेस की चांडक जी को। तो चांडक जी यहाँ पे आते हैं, काम कुम करवाया उन्होंने? नहीं वैसे आते हैं, वैसे ज़्यादा नहीं आते हैं, लोग बुलाते हैं, मिलते जुलते हैं। आपका भी ये कहना है कि जयदेव बयानी जी और चांडक जी में से किसी को मिले तो बन सकते, और यहाँ पे आपने बीजेपी का नाम लिया। राज्य में किसकी सरकार देखते हैं? राज्य में बीजेपी की आएगी। बीजेपी की? बीजेपी आनी चाहिए। पिछली बार किसको वोट डाला था आपने? पिछली बार डाला बीजेपी को। डाला बीजेपी? आप मतलब बीजेपी को ही वोट डालते हैं शुरू से? हाँ जी। क्या नाम है सर आपका? विनोद।
विनोद जी, कौन से विधानसभा से? शादुल से। शादुल साहब से जांगड़ जी का रिपोर्ट कार्ड लेने आए हैं जी, कैसा काम करवाया है? क्या जीरो, हमारे इलाके में तो जीरो है। सारों ने यही बोला जीरो काम, ऐसा क्यों, क्यों नाराज किया जांगड़? नाराज किया जी, दो काम मेन तो दो काम बोलिया जी मैंने भी विधायक बनने बाद में। एक तो हमारे इंसोरिया स्कूल ने कॉलेज कर दी हो, 450 की स्ट्रेंथ है लड़कियां की, बाकी 500 कर दी हो, चलो 500 करवा दिया। तीन चार बारी फाइल, हर बार आवे नहीं, बीती बार बार फाइल बना के दे दी, क्या मेरे कंठे भेजो भेजो, अब तो साल में तो आया कौन नहीं, यूँ पहला तो फाइल बना बना के दे दी। एक अटे पीएचसी है जी, बिना सीएचसी करने को केड हो बन, और लिखित में बने बहुत बारी दे दियो। दो गांव का दो मेन काम आज बाँ करिया कौन नहीं, और सड़कों की और बे छोड़ो जी, पहले जगह सार्वजनिक है नहीं, बे काम है बात करिया कौन जी। सड़के सुड़के बनाई सड़क तो आ थर सामने एक है, आ एक है, आ मैं खुद सरपंच आपकी हिम्मत हूँ, जिला परिषद हूँ, पास करवाई, फिर बन पतो लगे नहीं भी आ सड़क बन सी, जब बाँ आपके अंडर पंचायत समिति अंडर में ले ली, फिर 80,000 रुपया दे के बाँ पास करी है, और 80,000 रुपया दिया है, और सबूत भी है हमारे कहीं आपसे लिए हैं। हाँ 80,000 रुपया लिया है, सड़क दे दी वहाँ, 20,00,000 को काम 80,000 लेके दिए कमीशन। बात है कमीशन कर लियो तो की कर लियो, तो आपने इसकी कभी शिकायत नहीं की भ्रष्टाचार सर जी? ते बताओ भी सरकार साहब को बताइए, कलेक्टर के सारे पतो है अभी, कलेक्टर तो 5-6 महीने रुके है, शिकायत करा फाइल लगावा इतने बाद में जे। अब वो सरपंच बेचारो SC को है बना, आपको काम करना है, जब वो 10-20 रुपये दे जकाम मांगे भी देंगे, फिर वो बजट भी लेना हो तो विकास ना करा सी तो आगे भी नुकुन पूछे। भ्रष्टाचार इसी बार आपको देखने को मिला है क्या, पहले भी आपको देखने को मिलता था यहाँ? पहले तो जी अब भी इतो कौन ज्यादा मानना कौन भी, अब की बार हम 5 साल में तो पूरा चक देख दिया जी, पहला थोड़ा बहुत कोई होता वाला जी, पहले इतो गौर कौन करे भी सामने तो, नहीं आता सामने कौन आया, अब खुले आम, अब तो खुले आम जी। आपके गंगानगर विधानसभा भी यहाँ पे आती है, गंगानगर विधानसभा में काम हुआ? काम तो जी बिया तो देखे मान तो कोई लगे कौन जी काम, और तो दोनों का बराबर ही बराबर भी नज़दीक गांव गणेश गेट को मान लियो थे, तो भी मैं कोई थोड़ा बहुत कोई सरपंच आपकी तरफ करा दियो तो करा दियो, सगे बंग खास आदमी है गोड को, और बाकी तो कोई बजट दियो कौन जी गोड। तो जो गणेशगढ़ में क्या लगता है गंगानगर विधानसभा से किसका माहौल लग रहा है आपको? माहौल तो जी अब टिकट वितरण के ऊपर है, टिकट देखो किन्ने देवे कांग्रेस की बीजेपी बाद में पता लाग सी। क्या लगता है किसको देनी चाहिए आपके हिसाब से, कौन सही उम्मीदवार है? उम्मीदवार तो जी अब जी कांग्रेस की तो चांडक दावेदारी करने आ रही है, और बीजेपी में 20-1 है, पर टॉप में नाम बियानी को चल रहा है जी। तो बियानी जी मतलब बियानी और चांडक जी का आपको लग रहा है कि हाँ। और शादुल शहरी की बात करें तो किसको क्या लगता है कौन विधायक बनना चाहिए? बे तो आई चाहे भी पढ़े लिखे हो ईमानदार आदमी हो है, जो थाने कचहरी की राजनीति ना करे और गांव का विकास खातर से होकर है, वो ही आदमी चाहवा। मैं तो तंग आ गया जी यहाँ थाना कचहरी राजनीति हूँ, मान तो ईशो भी दाग चाहिए जो मर के त्याले वगैरह। मैंने कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिला है कि जो आपके हिसाब से चले? हाँ भी एक टिकट तो घने दावेदार है जी, डॉक्टर बिजमोहन जी सारण है बीजेपी की तरफ हुए हैं जी, आत्माराम जी तरड़ है, प्रदीप खिचड़ है, ए मांगे जी टिकट तो। पर मैं सबसे बढ़िया कौन लग रहा है अभी फिलहाल? बढ़िया तो मान तो डॉक्टर बिजमोहन जी लग गया है अभी, पढ़े डॉक्टरी लाइन में 2008 में सरकारी नौकरी छोड़ के राजनीति में आया, एक ही उद्देश्य खतरा आया भी मैं लोगों को भलो कर सकूँ, सेवा भाव खतरा है। अब 2008 हूँ लेके 2023 आ गयो जी, अभी तक तो टिकट मिली कौन, पहले मैं नाम जो है ऊपर जाके कट जे, अब दिक्कत क्या कटा ला रही है जी कोई। अगर इनको टिकट मिल जाती है डॉक्टर साहब को तो क्या लगता है सीट निकाल जाएंगे आराम से? नहीं 20-30 हज़ार के बीच में मतलब फैसला रहेगा, 20-30 हज़ार वोट। कांग्रेस का मतलब यहाँ पे आप कह रहे हैं कि बिल्कुल पलड़ा साफ हो चुका है, जम्मा साफ है जी, और अब की बार टिकट वापिस ही जांगिड़ ने दे दी तो ये तो बुरी तरह जा सी जी, मतलब बहुत नेगेटिव रिपोर्ट आ रही है रिपोर्ट है, और टिकट है टिकट मेन तो टिकट वितरण के ऊपर है जी, पतो लाग सी वितरण के बाद पता चलेगा क्या माहौल क्या माहौल है भी जंगड़ की जगह भी और किन्ने देव है तो इन्हें और किन्ने मिले। अगर जंगड़ के अलावा किसी और को टिकट मिलती है तो क्या कांग्रेस माहौल बना पाएगी? माहौल तो जी अब बीजेपी की टिकट किन्ने मिले बिंग बाद में माहौल को पता लगे जी, मेन तो टिकट वितरण के बाद ही असली तो नीति जो जल्दी पता लगे वो भी कांग्रेस की किन्ने देवे बीजेपी की किन्ने देवे बिंग बाद में समीकरण
चेंज हो जी देखेगा। हाँ तो हो गया शुरू। क्या नाम है सर आपका? इंद्राज। कौन सी विधानसभा पड़ती है सर? श्री गंगानगर। गंगानगर विधानसभा से अभी हमें आप ही मिले गंगानगर विधानसभा से, तो बताइए गोड साहब का कार्यकाल आपको कैसा लगा? देखो मैं किसी विधायक की ऐसा है, जो भी विधायक आया पीछे योजना में विधायक आया, जो अब जो प्रेजेंट में है विधायक है, मैं किसी विधायक की कटवी नहीं करना चाहता। उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, काम करने का लायक होगा जनता आप ही चुन लेगी, ठीक है। जो भी काम होगा अच्छा होगा तो जनता उसको वोट देगी, उसको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, उसको इतना पैसा नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है सर। मैं ये चाहता हूँ कि जनता के अंदर जो अब राज्य गवर्नमेंट ने जो अब किट्टे बांटी है उसके अंदर, जैसे अब सेंटर के अंदर 200 रुपये लेस कर दिए सिलेंडर में, एक योजना बहुत अच्छी है। जैसे अब सिलेंडर के अंदर वो किट्टे बांटी है, उस सिलेंडर में आप लेस कर देते, उसमें धांधलाबाजी हो रही है, किसी में तो मिट्टी निकल रही है मिर्चों में, किसी मसाले में निकल रही है, वो राशन किट्टे दी, राशन किट है उसके उसकी जगह सिलेंडर के दाम सिलेंडर में बढ़ा देते, गरीब लोगों को फायदा हो जाता। एक योजना जो भी गवर्नमेंट पुरानी सरकारें हैं जो भी है, एक योजना को पूरा कामयाब करें, बीच में ना छोड़े, बीच में ना छोड़े। देखो एक किसान होता है उसको 2 लड्डू मिलते हैं, ठीक है ना, एक लड्डू तो इस हाथ से ले लिया और उसने पीछे कर लिया, फिर वो दूसरा लड्डू ले रहा है तो पीछे वाला तो कुत्ता खा गया, आगे वाला लड्डू मिला नहीं है, ये हालात हो रही है जनता में। तो मैं यही कहता हूँ एक ही योजना के अंदर योजना वो पूरी कामयाब हो ए से लेके जेड तक, ठीक है सर। बार बार बजट अब 22,000 करोड़ रुपया बजट दिया गवर्नमेंट ने, तो एक ही योजना में लगा देते अच्छी, और पढ़ाई में लगाओ गवर्नमेंट। देखो तीन काम है अपने हिंदुस्तान के अंदर, शिक्षा, कृषि और स्वास्थ्य, चिकित्सा स्वास्थ्य। ना तो किसी का ब्लड चेक होता, ना कोई स्वास्थ्य चेक होता, ना ही कोई ऐसा कोई कर्मचारी आता है, ना कोई विधायक भेजता है। मैं किसी विधायक की कटवी नहीं करना चाहता, मैं ना कोई किसी सरपंच की। आज गांव के अंदर सभी लोग जीत जाता है, सभी वोट देते हैं उसको, देते हैं ना, उसके बाद जीतने के बाद उसने नहीं दिया, ये हालात रहती है। आज वो गाँव में विकास करेगा, जैसे हमारे गंगानगर जिले के अंदर है गंगा सिंह महाराजा, गंगा सिंह का बसाया हुआ है, बहुत अच्छा था, उसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी संस्कृति थी पहले, अब ये हालात बुरी हो रही है धीरे धीरे। पीछे वाला जो MLA है ना वो भला कल आ जाता है, जो नया आता है वो कहता है भी ये काम नहीं करता, पीछे वाला काम पूरा नहीं होता। तो अभी विधायक जी का काम करवाया उन्होंने विधायक जी? देखो काम होता है वो जनता के सामने, देखो इतनी तो मैं गहराई में नहीं जाना चाहता, ना मेरे को मालूम है, ठीक है जी। काम हुआ है तो वो तो जनता के सामने है, काम हुआ है तो वो जीत जाएगा, काम नहीं हुआ तो नहीं जीतेगा। आपने भी देखा होगा काम हुआ या नहीं हुआ। मैं ये कहना चाहता हूँ काम हुआ तो जीतेगा, काम नहीं हुआ तो नहीं जीतेगा, आप देख लो। आप ये बताइए कि किसका माहौल देखने को मिल रहा है, कौन गंगानगर यहाँ से गणेशगढ़ से आपको क्या लगता है कि किसकी उम्मीदवारी आपको लग रहा है कि हाँ ये बंदा बनना चाहिए विधायक? देखो अब तो दो है हमारे गंगानगर में, नाम चल रहे हैं, नाम चर्चा के अंदर खूब चल रहा है, चंडक जी है और बैणी जी है। अगर बैणी जी को टिकट मिल जाए तो बैणी जी शोर जीतेगा, इधर चंडक जी को टिकट मिल जाए तो चंडक शोर निकलेगा। दोनों को टिकट मिल जाए, बीजेपी की बैणी जी को मिल जाए, चंडक जी को मिल जाए, कांग्रेस की, तो कौन जीतेगा? देखो इनमें से देखो वो लायक है, उसमें क्वालिटी है, वो तो जनता फैसला करेगी। गोड साहब नहीं आएंगे वापसी, वो कुछ नहीं कह सकते इस बात का, एक तरीके से आपने कह ही दिया। चलो बाकी लोगों से बात करते हैं, जानते हैं क्या सोचते हैं लोग।